प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 पढ़ेंगे और इंग्लिश में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 और 2 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान विषय में पृष्ठ रसायन भाग 3 पढ़ेंगे और जीव विज्ञान विषय में वंश गति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। आज के इस वीडियो में हम पहले विश्व युद्ध का भारत पे असर जानेंगे। इसके बाद हम सत्याग्रह और खिलाफत के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। इसमें ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। सबसे पहली बात ये आती है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। इस नेता का नाम था महात्मा गांधी। इन्होंने सत्याग्रह का विचार पेश किया। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 3 स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। पहला, 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दूसरा, 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने
और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और तीसरा, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। रॉलेट एक्ट 1919 में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक चाहते थे। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल से शुरू हुआ। विभिन्न शहरों में रैली, जलूसों और हड़तालों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इसके चलते मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करा दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाले बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। बदले में सरकार द्वारा लोगों को कोड़े मारे गए और गांव में बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस बात की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व में
आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 के विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। दोस्तों, इसी के साथ इस पाठ का पहला भाग समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सीखा सत्याग्रह का विचार और रॉलेट एक्ट के बारे में। इसके साथ साथ हमने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट लाइट का है। दोस्तों, इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, यानी कि इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। राइटर यानी लेखक ने कुछ इस तरह लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हम लोगों को अपने दिनों की बातें बताया करते हैं। वो सभी ओल्ड पोर्चुगीज डेज को याद करते हैं और उनके वो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड यानी मशहूर ब्रेड को भी। आज की दुनिया में भले ही ब्रेड खाने वाले कस्टमर्स धीरे धीरे कम हो गए हैं, लेकिन उन ब्रेड को बनाने वाले बेकर्स आज भी वही हैं। वो सभी उतनी ही मेहनत के साथ आज भी ब्रेड बनाते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में भी हम सभी के बीच मिक्सर्स हैं, जो कि सामान मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। मोल्डर्स हैं, जो इन ब्रेड्स को मोल्ड करते हैं, यानी उन्हें शेप देते हैं, आकार देते हैं। और हमारे पास वो लोग भी हैं जो इन ब्रेड्स को पकाते हैं। वो ओल्ड एज फर्नेसेस यानी कि पुराने जमाने की भट्टियां आज भी मौजूद हैं, जिनमें बेकिंग की जाती है यानी ब्रेड पकाई जाती हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब उन भट्टियों में आग अभी भी बुझी नहीं है। सुबह होने के बाद बेकर की वो ट्रेडिशनल बैम्बू यानी उस पारंपरिक बांस के डंडे की आवाज आज भी कई जगहों पर सुनी जाती है। उस बांस के डंडे की ठक ठक ये एहसास दिलाती है कि आज की दुनिया में भी बेकर्स ब्रेड बेचने आते हैं। हो सकता है कि उनके फादर की डेथ हो गई हो, यानी कि अब पिताजी इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके बेटों ने फैमिली प्रोफेशन फॉलो किया है, यानी कि खानदानी काम को आगे बढ़ाया है, उसी काम में मन लगाकर मेहनत की है। ये बेकर्स आज की दुनिया में गोवा में पैडर कहलाए जाते हैं। हमारे चाइल्डहुड यानी हमारे बचपन के टाइम गोवा के बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे। वो दिन में दो बार, कम से कम दो बार आया करता था। पहला था सुबह के टाइम, जब वो अपने सेलिंग ग्राउंड पर होता था, और दूसरा जब वो खाली बास्केट लेकर वापस लौट रहा होता था। वो आता था और अपनी बास्केट जिसमें ब्रेड होती थी वो साइड में रख देता था। उसकी बैम्बू स्टिक यानी बांस के डंडे की आवाज से हम लोग रोज सुबह उठ जाते थे और भागते हुए बेकर से मिलने जाते थे, उसको ग्रीट करने के लिए यानी उसको नमस्कार करने के लिए। दोस्तों, ये सब क्या हम ब्रेड के लिए करते थे? बिल्कुल भी नहीं। वो सभी ब्रेड्स तो घर के सर्वेंट्स को मिलती थी, वही ब्रेड्स खरीदते थे। और क्योंकि हम बच्चे थे तो बेकर हमें एक साइड कर देता था, लेकिन हम भी बहुत शैतान थे। हम सभी बच्चे एक साइड होकर उन्हें बहुत उम्मीद से देखते थे, क्योंकि वो हमें बैंगल्स, ब्रेड के बैंगल्स देता था, जो गोल होते हैं और मीठे होते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा की कहानी स्टार्ट करी, मतलब शुरू करी, जिसमें हमने सीखा कि आज की दुनिया में भी बेकर्स मौजूद हैं। बच्चों ने अपने पापा का, अपनी फैमिली का प्रोफेशन फॉलो किया है, मतलब खानदानी काम फॉलो किया है। आज भी वो ओल्ड फर्नेसेस यानी पुरानी भट्टियां मौजूद हैं, जिनमें ब्रेड पकाई जाती है। और हमने राइटर मतलब लेखक की बचपन की कुछ यादें जानी, जैसे कि बचपन में गोवा में बेकर उनके दोस्त हुआ करते थे। दोस्तों,
आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में। तो आइए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा मतलब हम अ बेकर फ्रॉम गोवा की आगे की कहानी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपके क्लास 10th का एक चैप्टर शुरू किया था, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट लाइट का है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में और अब तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा था? दोस्तों, हमने जाना था कि आज की दुनिया में भी बेकर्स मौजूद हैं। आज भी कई जगहों में बेकर्स की ट्रेडिशनल बैम्बू की आवाज सुनाई दी जाती है, यानी कि आज की दुनिया में भी कई जगह पर बेकर्स ब्रेड बेचने आते हैं। और हमने जाना था कि बचपन में गोवा के बेकर्स राइटर यानी लेखक के फ्रेंड थे, दोस्त थे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अ बेकर फ्रॉम गोवा मतलब हम आज के इस वीडियो में अ बेकर फ्रॉम गोवा की आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे राइटर ने कुछ इस तरह लिखा है, सारी डिलीवरी के बाद बेकर हमें छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े देता था जो बहुत मीठे होते थे। उन्हें ब्रेड बैंगल्स कहा जाता है। इन्हीं सब वजह से बचपन में गोवा के बेकर हमारा दोस्त हुआ करता था। मुझे आज भी ब्रेड की वो टिपिकल फ्रेग्रेंस याद है। ब्रेड की वो खुशबू मेरे दिमाग में इस तरह बैठी हुई है कि मैं उसे भुला नहीं सकता, और उससे मेरी कई सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं उस ब्रेड की खुशबू को भुलाना नहीं चाहता हूं। रोज सुबह जब हमें बेकर से ब्रेड बैंगल्स मिल रहे होते थे, हम लोगों में से कोई भी ब्रश नहीं करता था, और हम करते भी क्यों? कौन उन आम के पेड़ पर से पत्ती तोड़ने की मेहनत करता जो हमारा टूथब्रश बनने के काम आते? और वैसे भी ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? एक शेर तो कभी ब्रश नहीं करता। गरम चाय ने वैसे भी सब साफ कर ही देना है, बहुत हेल्पफुल होती है वो। मैरिज गिफ्ट्स यानी कि शादी के तोहफे किसी काम के नहीं है अगर उनके साथ कोई मिठाई ना हो। उनका कोई मोल ही नहीं है बिना मिठाई के। और शादी या फिर किसी त्योहार के लिए मीठी ब्रेड होती थी। बेटी की शादी की सारी रस्मों के लिए उसकी माँ अलग अलग तरह की ब्रेड्स बनाया करती थी। उस समय के बेकर्स या फिर जो लोग ब्रेड बेचने आते थे, उन सभी की एक ड्रेस हुआ करती थी। उस ड्रेस का नाम कबाई था। वो ड्रेस एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो नीज तक आती थी, मतलब घुटनों तक होती थी। हमारे बचपन में हम सभी ने बेकर या फिर ब्रेड सेलर को इसी तरह देखा था। यहां तक कि अगर आज भी कोई शॉर्ट पैंट पहन ले तो उसके ऊपर कमेंट किया जाता है कि देखो वो तो पैटर की तरह लग रहा है, बिल्कुल पैटर की तरह दिख रहा है। बेकर यूजुअली मतलब अधिकतर बिल्स का कलेक्शन महीने के आखिर में करता था। वो हर एक घर का, हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करता था, ताकि उसको आसानी हो बिल कलेक्ट करने में, और महीने के आखिर में बिल कलेक्ट कर लेता था। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है।
तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। अबेका फ्रॉम गोवा। आज के इस वीडियो में हमने अबेका फ्रॉम गोवा की पूरी कहानी पढ़ ली, जिसमें हमने पढ़ा कि राइटर को ब्रेड की और टिपिकल फ्रेगनेस आज भी याद है। राइटर और उनके दोस्त सुबह उठने के बाद ब्रेड खाने से पहले ब्रश भी नहीं करते थे। और हमने बेकर या फिर ब्रेड सेलर की ड्रेस के बारे में जाना, जिसका नाम कबाई था, कि वो एक लॉन्ग फ्रॉक की तरह होती थी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अबेका फ्रॉम गोवा जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के फर्स्ट पार्ट अबेका फ्रॉम गोवा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण से। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, जो कि जीवित पौधों और जानवरों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये वास्तव में उच्च आणविक द्रव्यमान के प्रोटीन अणु होते हैं, जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण। सर्वोत्तम दक्षता। एंजाइम का एक अणु अभिक्रियक के 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट परिवर्तित कर सकता है। उच्च विशिष्ट प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम की विशिष्टता किसी एक अभिक्रिया के लिए होती है, अर्थात एक उत्प्रेरक एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इष्टतम ताप पर सर्वाधिक सक्रिय। और आखिरी अभिलक्षण है इष्टतम पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय। ये एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण हैं। आप इनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। और कुछ अन्य अभिलक्षण भी हैं, उनको आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अब बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में। एंजाइम उत्प्रेरण में एक क्रियाधार होता है, जिसे हम अभिक्रियक भी कहते हैं, और चित्र में जहां पर एस लिखा हुआ है वह क्रियाधार है। जो एंजाइम होता है वो हमारा उत्प्रेरक होता है, उसको हमने ई से लिखा हुआ है। क्रियाधार पर एक सक्रिय सतह होती है, जो एंजाइम होता है वो उस सक्रिय सतह पर बैठ जाता है। सक्रिय सतह पर बैठने के बाद हमें एक एंजाइम क्रियाधार संकुल मिलता है। यह संकुल अस्थिर होता है, और इसके कारण क्या होता है, जो एंजाइम है वो उस संकुल को तोड़कर बाहर निकल आता है और हमें उत्पाद मिल जाता है, और एंजाइम हमारा बिना किसी बदलाव के हमें वापस मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं उद्योगों में उत्प्रेरण। तो यहां पर तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तीन ऐसे उद्योग हैं जहां पर उत्प्रेरण का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो है वो है अमोनिया उत्पादन के लिए हाबर प्रक्रम। हाबर प्रक्रम में मोलिब्डेनम का इस्तेमाल होता है उत्प्रेरण के रूप में। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड प्रक्रम में। इसमें प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है। और तीसरा जो है वो है संस्पर्श प्रक्रम, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें प्लेटिनीकृत एस्बेस्टोस या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है, जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, जिसे परिक्षेपित माध्यम कहते हैं।
अब बात करते हैं कोलाइडों के वर्गीकरण के बारे में। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण। हम एक एक करके इन तीनों वर्गीकरणों की बात करते हैं। पहला जो है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, उसके लिए एक टेबल है, आपको इस टेबल को याद करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के बारे में दिया हुआ है। वो ठोस, द्रव और गैस हो सकती हैं और उस आधार पर हमने कोलाइड का प्रकार निर्धारित किया है। जब ठोस ठोस होता है तो उसे हम ठोस सॉल कहते हैं, जब ठोस द्रव होता है उसे हम सॉल कहते हैं, जब ठोस गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं, जब द्रव ठोस होता है उसे हम जेल कहते हैं, जब द्रव द्रव होता है उसे हम इमल्शन कहते हैं या फिर पायस भी कहते हैं उसे, जब द्रव गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं, गैस और ठोस होता है उसे हम ठोस सॉल कहते हैं, और जब गैस द्रव होता है उसे हम फोम कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी है, वो आप देख लीजिए और इस पूरे टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं द्रवरागी कोलाइड के बारे में। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर आदि जैसे पदार्थों को एक उपयुक्त तरल के साथ मिलाकर सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलाइडी सॉल द्रवरागी कोलाइड कहलाते हैं। ये उत्क्रमणीय सॉल होते हैं और पर्याप्त स्थायी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्रव विरागी कोलाइड के बारे में। धातु, उनके सल्फाइड आदि जैसे पदार्थ केवल परिक्षेपण माध्यम में मिश्रित करने से कोलाइडी सॉल नहीं बनते। इनके कोलाइडी सॉल को विशेष विधियों से ही बनाया जाता है। ऐसे सॉल द्रव विरागी सॉल कहलाते हैं। ये अनुत्क्रमणीय सॉल होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। आप द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइडों के बारे में अपनी अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बहुआणविक कोलाइड के बारे में। विलीन करने पर किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसा एक स्पीशीज बनाते हैं जिसका आकार कोलाइडी सीमा में होता है। यहाँ पर कोलाइडी सीमा में जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पीशीज बहुआणविक कोलाइडी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं वृहदाणविक कोलाइड। वृहदाणु उचित विलायकों में ऐसे विलयन बनाते हैं जिनमें वृहदाणुओं का आकार कोलाइडी सीमा में होता है। ऐसे निकाय वृहदाणविक कोलाइड कहलाते हैं। ये कोलाइड बहुत स्थायी होते हैं। आप इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सहचारी कोलाइड, जिसे मिसेल भी कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम सांद्रताओं पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रताओं पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार पुंजित कण मिसेल कहलाते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि मिसेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हम आगे और बात करने वाले हैं। मिसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, एवं सांद्रता एक निश्चित से अधिक होती है, जिसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में जाना, और आखिरी में हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से इन सब चीजों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे
और उसके बाद हम कोलाइड बनाना के बारे में जानेंगे। आखिरी में हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने वंशागति, विविधता, अलील और मेंडल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम एक जीन की वंशागति और मेंडल की वंशागति के नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इन्हें तो जानते ही होंगे, ग्रिगोर मेंडल, इनके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण के प्रयोग किए थे और इन्होंने मटर के पौधे के विप्रयास विशेषकों के 7 जोड़ों पर अध्ययन किया था। इन विशेषकों के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से विशेषकों पर इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ पर मैं लक्षण को लिख देता हूं, यहां पर मैं प्रभावी विशेषक को लिख देता हूं और यहां पर मैं अप्रभावी विशेषक को लिख देता हूं। तो जो पहला लक्षण था जिन पर मेंडल ने काम किया था वो था बीज का आकार, जो कि गोल हो सकता है और झुर्रीदार हो सकता है। गोल यहां पर प्रभावी विशेषक है और झुर्रीदार यहां पर अप्रभावी विशेषक है। ऐसे ही इन्होंने बीज के रंग पर भी काम किया था, जैसे कि जो कि पीला हो सकता है और हरा हो सकता है। और इन्होंने फूल के रंग का भी लक्षण लिया था, जो कि बैंगनी हो सकता है और सफेद हो सकता है। फली का आकार इन्होंने लिया था, जो कि फूली हुई हो सकती है और सिकुड़ी हुई हो सकती है। इन्होंने
फली का रंग भी इन्होंने लक्षण लिया है, जो कि हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, और इन्होंने पुष्प की स्थिति को भी एक लक्षण लिया था, जो कि अक्षीय हो सकती है और अंतःय हो सकती है। और सातवां जो लक्षण इन्होंने लिया था वो थी तने की ऊंचाई, जो कि लंबा हो सकता है और बौना हो सकता है। आइए अब एक जीन की वंशागति को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसको हम तने की ऊंचाई वाले प्रयोग से समझेंगे, जो कि मेंडल ने किया था। दोस्तों, मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच में संकरण करवाया था। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए थे। इस पीढ़ी को फिलियल वन प्रोजेनी या F1 पीढ़ी कहा गया। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे और कोई पौधा बौना नहीं था। फिर बाद में मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया, और इसके बाद उन्होंने देखा कि F2 पीढ़ी में 75% लंबे पौधे थे और 25% बौने पौधे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीन पौधे लंबे हैं और एक पौधा बौना है। ऐसे क्रॉस को हम एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, इन बातों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु जनक से संतति में जा रही है। उसने इस वस्तु को कारक यानी कि फैक्टर्स कहा। आइए दोस्तों, एकल संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ लेते हैं। एक क्रॉस जो कि एक लक्षण के विप्रयास विशेषकों के एकल जोड़ों को शामिल कर किया जाता है, एकल संकर क्रॉस कहलाता है। आमतौर पर एकल संकर क्रॉस का उपयोग दो अलील के बीच प्रभावी संबंध को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। F2 पीढ़ी के लंबे और बौने विशेषक माता पिता के समान थे और उनमें कोई सम्मिश्रण नहीं दिखा था। इसका अर्थ है कि सभी संतानें या तो लंबी थी या बौनी थी, कोई भी बीच की ऊंचाई की नहीं थी। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी को समझ लेते हैं। अगर किसी जीनोटाइप के दोनों एलील एक समान है, जैसे कि बड़ा टी बड़ा टी और छोटा टी, तो उन्हें हम समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस कहेंगे। और अगर किसी जीनोटाइप के दोनों एलील्स अलग-अलग हैं, जैसे कि बड़ा टी और छोटा टी, तो इसे हम विषमयुग्मजी यानी कि हेटरोजाइगस कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पनेट वर्ग को समझते हैं। इसे ब्रितानिकी आनुवंशिकीविद रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों, हम इस पनेट वर्ग को तने की ऊंचाई वाले लक्षण के क्रॉस से समझेंगे, जिन्हें मेंडल ने करवाया था। अब जो यहाँ पर लंबा मटर का पौधा है, इसके जो जीनोटाइप है वो है बड़ा टी, और जो बौना मटर का पौधा है, इसके जीनोटाइप है छोटा टी छोटा टी। अब इसके क्रॉस कराने के बाद F1 पीढ़ी आएगी, उसको हम पनेट वर्ग से लिखेंगे और वह कुछ ऐसा दिखता है। अब मान लीजिए जो यहाँ पर लंबा मटर का पौधा है वो नर है, तो जो नर के युग्मक होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और नर के युग्मक होंगे बड़ा टी। और जो बौना मटर का पौधा है, मान लीजिए वो मादा है, और इसके जो युग्मक होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा टी छोटा टी। अब हम इनका क्रॉस करा देंगे, तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, और इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी। तो यहाँ पर जो बड़ा टी था वो प्रभावी था, इसी वजह से यहाँ पे लंबे मटर के पौधे उत्पन्न होंगे F1 पीढ़ी में, क्योंकि सभी के पास एक प्रभावी एलील है। अब हम
F1 पीढ़ी के पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण कराएंगे। इसको भी हम पनेट वर्क से समझेंगे। तो हम यहाँ पर इसके हम पहले जीनोटाइप लिख देते हैं। ये दोनों ही लंबे हैं तो इसके जीनोटाइप होंगे बड़ा टी छोटा टी, जैसे कि हमको F1 पीढ़ी में मिला था। और इसके जो पनेट वर्ग है F2 पीढ़ी का, वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके हम युग्मकों को यहाँ पर लिख देंगे, नर युग्मक को और मादा युग्मक को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा टी छोटा टी, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा टी छोटा टी। तो अगर हम इसके फिनोटाइप अनुपात की बात करें, जो कि लंबा और बौने के बीच में है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन लंबे पौधे यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं जिनके पास एक प्रभावी एलील टी है, यानी कि बड़ा टी जिनके पास है। तो तीन लंबे पौधे और एक बौना पौधा जो कि है छोटा टी छोटा टी। और इसके अगर हम जीनोटाइप अनुपात की बात करें, जो कि होगा बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी के बीच में, तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात होगा वो होगा 1:2, 2:1। दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि मेंडल ने F2 पीढ़ी में भी स्व परागण कराया था, जिसके बाद F3 और F4 पीढ़ी में भी बौने पौधे प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि जो बौना पौधा था उसके जीनोटाइप थे छोटा टी और यह समयुग्मजी था। पर उनको लंबे पौधे के जीनोटाइप का पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके जीनोटाइप बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में लंबा पौधा होगा। तो इन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए परीक्षार्थ संकरण करवाया। अब जानते हैं कि ये क्या होता है। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव अप्रभावी पौधे से संकरण किया जाता है, ना कि स्व परागण, जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चलिए अब परीक्षार संकरण को एक उदाहरण से समझते हैं। अब ये जो बैंगनी पुष्प है, इसका हम उदाहरण लेंगे, और यह प्रभावी फिनोटाइप दिखा रहा है और इसका जीनोटाइप अज्ञात है, यानी कि इसका जीनोटाइप हमको पता करना है। अब इस बैंगनी पुष्पी पौधे का जीनोटाइप बड़ा डब्ल्यू हो सकता है या बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू हो सकता है। यहाँ पर बड़ा डब्ल्यू प्रभावी अलील है और छोटा डब्ल्यू अप्रभावी अलील है। अब इसका क्रॉस हम अप्रभावी विशेषक श्वेत पुष्पी पौधे से करवाएंगे, जिसका जीनोटाइप छोटा डब्ल्यू है। तो इसका भी हम पनिट वर्क बनाएंगे और यहाँ पर हम नर युग्मकों को लिखेंगे जो कि है बड़ा डब्ल्यू ए, और यहाँ पर हम मादा युग्मकों को लिखेंगे जो कि है छोटा डब्ल्यू। अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे और इसके क्रॉस के बाद हमको मिलेगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, और इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर बड़ा डब्ल्यू प्रभावी एलील है, तो यहाँ पर जितने भी पुष्पी पौधे होंगे उनके पास बैंगनी पुष्प होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे प्रभावी फिनोटाइप है। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जहां पर हम बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू का क्रॉस कराएंगे अप्रभावी विशेषक के साथ। इसका भी हम पनिट वर्क बनाएंगे और यहाँ पर हम इसके नर युग्मकों को लिख देंगे जो कि है बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, और यहाँ पर हम मादा युग्मकों को लिख देंगे जो कि है छोटा डब्ल्यू। अब हम इसका क्रॉस कराएंगे, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा डब्ल्यू, इसका क्रॉस कराने पर भी हमको मिलेगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, और इसका क्रॉस कराने पर हमको मिलेगा छोटा डब्ल्यू। अब अगर हम पहले केस के फिनोटाइप अनुपात की बात करें तो वो होगा 4:0, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बैंगनी पुष्पी पौधे थे। और अगर हम दूसरे केस के फिनोटाइपिक अनुपात की बात करें, वो था 2:2, क्योंकि यहाँ पर दो बैंगनी पुष्पी पौधे हैं और दो श्वेत पुष्पी पौधे हैं।
तो अगर आपका परिणाम पहले केस की तरह आता है तो हम कह सकते हैं जो टेस्ट जीव है जिसका हमें जीनोटाइप अज्ञात है उसका जीनोटाइप बड़ा डब्ल्यू होगा और वो समयुग्मजीव प्रभावी होगा। और अगर आपका परिणाम दूसरे केस की तरह आता है तो हम कह सकते हैं इसका जीनोटाइप होगा बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू और ये विषम युग्मजीव होगा। तो ऐसे करके हम टेस्ट जीव का जीनोटाइप ज्ञात कर सकते हैं। तो मेंडल के जितने भी प्रयोग किए उन्होंने एक जीन की वंशागति पर, तो मेंडल ने जितने भी प्रयोग करे उसके आधार पर उन्होंने मेंडल के वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया। तो जो पहला नियम है उसको हम कहते हैं प्रभाविता नियम, दूसरे नियम को कहते हैं विसंयोजन नियम और तीसरे नियम को कहते हैं स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम। यहाँ पर जो तीसरा नियम है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रभाविता का नियम समझा देता हूँ, इसको मैं आपको बिंदुओं में समझाऊंगा और आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होते हैं, कारक जोड़ों में होते हैं, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। आइए दोस्तों विसंयोजन का नियम को समझ लेते हैं। इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं और F2PD में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है भले ही F1PD में एक प्रकट नहीं होता। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। इस वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति को समझा और साथ ही में हमने मेंडल के वंशागति के नियमों पर भी चर्चा करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब के ये दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम मेंडेलियन सिद्धांतों के अपवाद और दो जीनों की वंशागति को समझेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने सामाजिक विज्ञान विषय में भारत में राष्ट्रवाद भाग 1 पढ़ा और इंग्लिश में ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 और 2 पढ़ा। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान विषय में पृष्ठ रसायन भाग 3 पढ़ा और जीव विज्ञान विषय में वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 2 पढ़ा और इन वीडियो पर आधारित रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 10 में हम गणित विषय में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म भाग 4 पढ़ेंगे और हिंदी में जयशंकर प्रसाद भाग 4 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित में सदिश बीजगणित भाग 2 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व एवं द्रव्य भाग 1 की पढ़ाई करेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DG साथ इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।